कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग क्लास नाइन्थ में तीन चैप्टर पढ़ ही चुके हैं। कौन कौन से? भौतिक विज्ञान में पढ़ चुके हैं। पहला गति पढ़ाया गया था, गति क्या है, गति के बारे में भी बताया गया था। इसी में सदिश और अदिश राशि, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज भी पढ़े थे। गति पूरा एकदम विस्तृत पढ़े थे ना, इक्वेशन ऑफ मोशन भी इसमें सीखे थे। गति के समीकरण क्या होते हैं, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या पढ़े थे, एस इक्वल टू हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा पढ़े थे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इसके बाद पूरे मोशन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से मोशंस होते हैं, ये सब सीख लिए थे। फिर अगले चैप्टर में बढ़े थे मोशन के बाद। अगला फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन बताया गया था कि बल क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है ना। बल के तीनों नियम बताए गए थे। पहला नियम भी बताया गया था जिसे लॉ ऑफ इनर्सिया कहा गया। दूसरा नियम भी बताए थे, एफ इक्वल टू, जिसमें एम ए आया था। फिर तीसरा नियम हम लोग एक्शन रिएक्शन नियम भी सीखे थे, क्रिया प्रतिक्रिया। इसी में कंजर्वेशन मोमेंटम भी सीखे थे, संवेग क्या होता है सीखे थे ना। मोमेंटम क्या होता है, संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है, पी इक्वल टू एम वी सीखा था। फिर इसके बाद ये भी चैप्टर समाप्त हुआ धीरे धीरे पढ़े। इसके भी न्यूमेरिकल बढ़िया कायदे से पढ़ा गया था हम लोगों ने ना। इसके बाद अगले चैप्टर में आए थे, वो कौन सा चैप्टर था बोलो, ग्रेविटेशन था। ग्रेविटेशन में ग्रेविटी के बारे में पढ़े, गुरुत्वाकर्षण क्या होता पूरा पढ़ा गया। न्यूटन ने कैसे गुरुत्वाकर्षण के नियमों का क्रमबद्ध किया, जैसे हम गुरुत्वाकर्षण के नियमों से जानते हैं, प्रिंसिपिया में अपनी बुक में लिखा था। फिर इसके बाद गुरुत्वाकर्षण के न्यूमेरिकल भी लगाए गए हम लोग। इसमें ये भी सीखे थे, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर होता है। फिर स्मॉल जी और कैपिटल जी में भी अंतर सीखा था। स्मॉल जी क्या होता था, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन गुरुत्वीय त्वरण। कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट होता था, जिसकी वैल्यू 6.67 × 10 की घात माइनस ग्यारह ना क्या क्या होता था। यूनिट भी सीख लिए थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती थी। और ये सब चीज़ें सीखते सीखते आगे बढ़ते गए और बहुत सारी चीज़ें सीखी। क्या क्या सीखते गए, जो जो आता गया वो हम लोग सीखते गए। फिर इसके न्यूमेरिकल भी बड़े लगा लिए पूरे। फिर आज हम लोग अगले चैप्टर में बढ़ते हैं। अगला चैप्टर क्या है तुम लोगों का, वर्क एंड एनर्जी। पहले वर्क पावर एंड एनर्जी था, अब सिलेबस में थोड़ा सा पावर हमको लगता है हटा दिया गया है। अब चैप्टर का क्या नाम है, वर्क एंड एनर्जी, मतलब कार्य और ऊर्जा। पावर नहीं बताई जाएगी ना, क्षमता, कार्य और ऊर्जा। इसके बाद अगला एक चैप्टर केवल तुम्हारे इस यूनिट का बचा हुआ साउंड, वो पढ़ा देंगे, हो जाएगा। तो आज से हम लोग चालू करते हैं कौन सा, वर्क है ना, वर्क एंड एनर्जी। इसमें दो टॉपिक पढ़ने हैं, वर्क एंड एनर्जी। तो पहले तो यही पढ़ेंगे, वर्क क्या होता है, और चूंकि एनर्जी क्या, इस एनर्जी के कारण हम लोग वर्क करते हैं। एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है, ऊर्जा क्या है, जिसके द्वारा हम लोग वर्क करते हैं, और जिस पर वर्क करते हैं उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। हो गया दोनों ऐसे घूमते रहते हैं। वर्क करोगे एनर्जी खर्चा होगी, उस पर वर्क, जिस पर वर्क कर दोगे उसके ऊपर एनर्जी आ जाएगी, और वर्क कभी वेस्ट जाता नहीं। तो वेस्ट जाता भी, ये भी सीखेंगे। चूंकि हम दैनिक जीवन में बहुत सारे वर्क करते, लड़का सुबह 5 घंटा सुबह 8 बजे पढ़ना चालू किया, दिन के 3 बजे तक पढ़ता गया, मानसिक थकान आ चुका है। उसके बाद हम लोग और देखते, खाना पीते, घूमते, आराम करते, कुछ भी करते हैं, वर्क होता रहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मन से कुछ सोच रहे हैं तब भी वर्क हो रहा है ना। तो या बैठे बैठे कुछ लैपटॉप चला रहे हैं, या कोई कर रहे हैं, कह रहे वर्क आज बहुत किया ऑफिस में बैठ के, है ना। तो ऐसे बहुत सारे वर्क होते हैं जो हम लोग लाइफ में करते रहते हैं दैनिक जीवन में, लेकिन विज्ञान, भौतिक विज्ञान में ये सारे वर्क नहीं माने जाते। विज्ञान में वर्क होने की कुछ कंडीशन दी गई हैं कि विज्ञान में कब किसको वर्क या कार्य मानेंगे और कब किसको कार्य नहीं मानेंगे। तो 2-3 कंडीशन दी गई, तो उसमें हम लोग एक कंडीशन ये है कि वर्क हम तभी मानेंगे जब वो किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई हो। पहली कंडीशन, फोर्स अप्लाई होनी चाहिए। ये रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट, ये इस पे वर्क कब होगा, जब मैं इस पे कोई फोर्स लगाऊंगा, और फोर्स लगाऊं तो तब तक वर्क नहीं होगा जब तक इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट ना आए, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। तो इस पे मैंने फोर्स लगाया और ये आगे बढ़ने लगा, तब मैंने क्या किया, वर्क किया। तो वर्क की सीधी कंडीशन कि कब हो, 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहली कि जब भी किसी बॉडी पे वर्क होगा, एक तो किसी बॉडी पे वर्क तभी माना जाएगा जब उस बॉडी पे कोई फोर्स लगा हो, और उस फोर्स के कारण क्या होना चाहिए, उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो हमको समझ में आ गया, वर्क 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, पहला फोर्स, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। और देखा गया वर्क किस पर, फोर्स के प्रोपोर्शनल और डिस्प्लेसमेंट के। जितना डिस्प्लेसमेंट होता जाएगा वर्क उतना ज़्यादा होता जाएगा। तो इन दोनों क्वांटिटीज को मैंने जोड़ के बनाया, वर्क क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीपल के इक्वल होता है। ये हमने बना लिया, हमारा ये फार्मूला बन गया।
और वर्क को किससे दिखाएंगे, तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम लोग पहला लिख दें, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स डिस्प्लेस। हमने कंडीशन बता दी ना, फोर्स लगा होना चाहिए लेकिन बॉडी क्या होनी चाहिए, डिस्प्लेस अ बॉडी इन, हाँ एक कंडीशन और लिख लेना, उसकी बॉडी जिस दिशा में फोर्स लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट भी वैसे ही। देखो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी क्या अलॉन्ग दी फोर्स की डायरेक्शन में होनी चाहिए। अ बॉडी इन इट्स लाइन ऑफ एप्लीकेशन, थोड़ा बड़ा लिखना चालू कर दें क्या तुम लोगों को, करना दिखाई देता होगा, कमेंट बता देना और बड़ा प्रयास करेंगे। इसके बाद हमने क्या लिखा था, W इक्वल टू F इंटू डी, डी क्या है डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट इन दी लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में होनी चाहिए। हम लोग लिख लेते हैं, अब इसको देख के हमको क्या नजर आता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीपल का इक्वल ही क्या होता है, वर्क होता है ना, वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना। जितना फोर्स अप्लाइड करते हैं, अप्लाइड फोर्स एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इन द लाइन ऑफ फोर्स। ये देखो एक ऑब्जेक्ट बॉडी रखी हुई, इस बॉडी पे मैं क्या लगा रहा हूँ, एक फोर्स, इधर से मैंने फोर्स लगाया एफ, और डिस्प्लेसमेंट भी आगे होता गया। देखो एक ही लाइन, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी डी भी इसी डायरेक्शन में है। यहाँ तक कि पहुँचा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डी को किस दिशा दिखा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, विस्थापन। मैंने बल लगाया और बल की ही दिशा में क्या हुआ, विस्थापन हुआ, यहाँ तक की आ गया डी तक की। तो हम कहेंगे फोर्स कितना लगा है, एफ डिस्प्लेसमेंट डी, तो वर्क क्या हुआ, एफ इंटू डी। ठीक है, वर्क हो गया, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी हो गया। हिंदी वालों के लिए भी लिख दें, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स डिस्प्लेस अ बॉडी इन इट्स लाइन ऑफ, किसी वस्तु में बल लगाने से बल की दिशा में विस्थापन हो तो उस वस्तु पर कार्य होता है। ठीक है, जिससे कर रहे हैं, इस पर कार्य हुआ है, मैंने जिससे किया है वो बॉडी का, एक बॉडी कार्य करती है, एक पर कार्य होता है। ठीक है, उस वस्तु पर कार्य होता है, और कार्य कितना होता है, कार्य बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, के गुणनफल, यही तो नीचे वाली लाइन लिखी है ना, गुणनफल के बराबर होता है। चीज़ें हमको समझ में आती है। देखो तो बल कार्य क्या होता है, बल और बल की दिशा में विस्थापन है ना, के गुणनफल के बराबर क्या होता है, कार्य होता है। हो गया, कार्य क्या होता है, बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अब कार्य का मात्रक क्या होगा, यहाँ देख के हम लोग समझ सकते हैं, कार्य का मात्रक यूनिट ऑफ वर्क, कार्य का
मात्रक क्या होगा बोलो, सबको पता है बल का मात्रक। त्रिगुणे में क्या लिखा हुआ है, विस्थापन का मात्रक, विस्थापन का मात्रक। बल का मात्रक तुम लोग पढ़ चुके हो क्या होता है, न्यूटन। विस्थापन का मात्रक मीटर। तो इसका मतलब कार्य का मात्रक क्या आ गया, न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर ऐसे लिखेंगे। तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ अभी तक दिख रहा है ना। इसको मैं ऐसे घुमा दूँ, देखो तुम लोग को थोड़ा सा ये गायब था, अब ये क्लियर रहेगा ना। और वर्क एंड एनर्जी थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ, ये भी नहीं दिखता है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। वर्क एंड एनर्जी, तो यहाँ तक कि कार्य का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक गुणे विस्थापन का मात्रक क्या होगा, W इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर होता है। और बल्कि देखो एक तो हो गया क्या कि हम जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मैंने डिफिनेशन क्या बना ली साइंस, और बहुत सारे वर्क होते हैं लेकिन विज्ञान क्या मानता है वर्क, क्या जब भी किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाएं, पहली कंडीशन फोर्स लगा होना चाहिए और फिर उसमें क्या होना चाहिए, अगला डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। टू कंडीशन नीड है, याद रखना, मैं लिखा भी दूं चाहो तो आप लोग, है ना, कितनी कंडीशन नीड है, टू कंडीशन। तो मैं इसको मिटाता हूं, टू कंडीशन नीड टू बी क्या, किसके लिए सेटिस्फाई कर रहा हो, क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई टू बी डन है ना, या सेटिस्फाई वर्क टू बी डन। ओके, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, कौन कौन सी कंडीशन है, पहली फोर्स लगा हो, अगला क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट हो। दो ही कंडीशन है, पहली ये किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा हो, अगला क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ना। फोर्स शुड बी एक्शन ऑफ, फोर्स लिख देंगे, फोर्स शुड बी एक्ट ऑन बॉडी, बॉडी या ऑब्जेक्ट जो भी लेना चाहो ना। दूसरा डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, मतलब उसमें विस्थापन भी होना चाहिए ना, विस्थापन भी हो और क्या लगा होना चाहिए उसमें, बल भी लगा होना चाहिए। ये दो कंडीशन है, तभी हम कहेंगे टू कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाई वर्क टू बी डन। वर्क कब डन माना जाएगा, जब फोर्स लगा हो किसी बॉडी पर और उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन आप लोग याद रखिएगा। और इसके बाद एक कंडीशन ये कि मान लीजिए हमने कहा था अलॉन्ग दी डायरेक्शन लेते थे, अब हमने कहा कोई बॉडी रखी हुई, ये बॉडी थी, घर में आप लोग मेला से वो लाते होंगे मिट्टी उट्टी जीप लाते नहीं थे गाड़ी पहले, अब तो मान लो पबजी जमाना है, पहले लोग मेले से मिट्टी वाले खिलौने लाते थे, उसमें से वो आती थी, पहले जीप वीप चलती थी, उसको धागे से हम लोग बांध के चलाते थे। तो क्या करते थे, धागे से बांधने, मान लीजिए ये जीप होती है वाली, ये या मान लीजिए ऐसे कुछ रखा हुआ है, या स्टेशन पे जो पोर्टर होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई ये है, इसको ऐसे खींचना चालू करें, एक रस्सा लें, इसको बांधे इस सब्जेक्ट को, और ये नीचे लुढ़केगा, सबको पता अगर मैं इधर खींचूंगा तो ये नीचे लुढ़कना चालू करेगा। या बच्चे गाड़ी खींचते हैं तो गाड़ी क्या नीचे चलती है और खींचते ऐसे हैं, तो गाड़ी डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, विस्थापन ये होगा, और फोर्स ये लगा हुआ, सबको पता है फोर्स तो यही अप्लाइड है, फोर्स इधर लगाते जा रहे हैं, विस्थापन इधर हो रहे हैं। अब चूंकि हम लोग क्या पढ़े थे, अलॉन्ग द डायरेक्शन होना चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हम जब देख रहे हैं
तब तो एक डायरेक्शन में है ही नहीं। एक डायरेक्शन में क्यों नहीं, क्योंकि फोर्स तो ऐसी है, डिस्प्लेसमेंट ये है। और हमने क्या माना है कि वर्क कब मानेंगे, जब फोर्स लगा हो, डिस्प्लेसमेंट हो। और यहाँ पे फोर्स भी लगा हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी, तो इसका वर्क तो हो रहा है, लेकिन वर्क के लिए हमने फार्मूला क्या बनाया था, वर्क क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डी। लेकिन डी क्या होनी चाहिए, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट क्या, फोर्स तो इधर है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे नहीं हो रहा है, ये इधर हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये वाली फोर्स, चूँकि देखो फोर्स भी कौन सी क्वांटिटीज है, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी कौन सी क्वांटिटीज है, वेक्टर, सदिश। और सदिश राशियों पे सबको पता है दोनों राशियां किस पर डिपेंड करती हैं, सदिश वेक्टर किस पे, डायरेक्शन पे, डायरेक्शन। इसका लो हम, चूँकि ये सबको पता है जब अलग अलग डायरेक्शन में हो तो उन क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज को जोड़ नहीं सकते, ये ऐसी हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनको सेम डायरेक्शन में ले आए, या अपोजिट होती तो माइनस हो जाती, सबको पता है 2 न्यूटन का फोर्स इधर लगा हुआ है, 3 का इधर लगा हुआ है, तो इधर चली जाएगी, क्यों, इधर ज़्यादा लगा हुआ है, कितना ज़्यादा लगा हुआ था, 3 से 2 घटाए 1 न्यूटन से इधर जाएगी। कैसे किया, डायरेक्ट घटा दिया, लेकिन कब, जब अपोजिट लगी हो। लेकिन अभी 3 का इधर लगा होता, 2 का किसी एंगल पे ऐसे लगा होता है, तब क्या होता है, सबको बताना, तो इधर जाती ना ऐसे जाती, ये दोनों के बीच में चलने लगती। एक बॉडी रखी हुई थी, दोनों तरफ फोर्स लगा दो, एक इधर लगा दो, इधर लगा दो, तो दोनों के बीच में जाती है, क्यों जाती है, जिसका ज़्यादा होगा उसकी तरफ ज़्यादा झुका होगा। तो हमको एक बात समझ में आती है, और चूंकि 5 न्यूटन तुमने लगाया, 7 न्यूटन अगले ने लगाया, ना तो 5 से जाएगा ना 7 से जाएगा, कितने से जाएगा ये नहीं पता है। तो ये कब होता है कि उसकी कितनी डायरेक्शन में मोड़ के करें, तो ये होता है उनके कंपोनेंट बनाना। तो हम वो सीखते हैं, थोड़ा लेंथी कर देते हैं ना, लेकिन ठीक है, डीपली समझना चाहिए। ये मैंने कहा, हम कहते हैं ये फोर्स था, और इस फोर्स को मैंने ऐसे डिस्प्ले परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा कराई, हमने कहा यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट डी था, तो इस डी को हमको निकालना है। अगर आगे तक की होता इसको आगे बढ़ाते, ऐसे कर देते, जहाँ तक की हो, मैंने इतने बना काम चला लिया। ये फोर्स एफ है, ठीक है, और ये इसको कुछ मान ले, नामकरण कुछ कर दें क्या, बोलो, ए बी सी, ये थीटा है, तो यहाँ कास थीटा बताओ क्या हो जाएगा, सबको पटता है, एल एल ए लाल बटे का है ना, हिंदी वालों, अंग्रेजी वाले क्या कहेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, उधर दिख ही नहीं रहा होगा ना, इधर लिख दें, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ कास आता है, कास को क्या कहोगे, बेस अपान हाइपोटेनस, तो एंगल, ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता, तो परपेंडिकुलर लेना नहीं, क्या लेना है, बेस, बेस को ही क्या कहते हैं, आधार, और हाइपोटेनस को क्या कहते हैं, कड़, तो ये कड़ हुआ, तो बेस 90 के सामने कड़, तो बेस अपान हाइपोटेनस ये होगा, डी अपान एफ होगा, क्या होगा, डी अपान एफ, यही तो होगा, हम चाह क्या रहे हैं, क्या हो जाएगा, डी अपान एफ, और चूँकि इसी की डायरेक्शन में लेना चाह रहे हैं, तो d इक्वल टू हमारा कितना आएगा, f इंटू कास थीटा। तो जहाँ पे केवल फोर्स को उसकी डायरेक्शन में लेके गए तो कितना हो जाएगा, अच्छा ये ऐसे ना लिखो, थोड़ा सा गड़बड़ मामला लगने लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लिखने के लिए हम लोग पहले मान लेते हैं, ये AC था और ये कितना था, BC, बेस अपान ये AB, तो यहाँ से हमको BC निकालना था, तो BC इक्वल टू क्या आ गया, AB cos थीटा, ये ठीक लग रहा है, AB F हो गया, F कितना आ गया, cos थीटा आ गया, ठीक है। इसको इसकी डायरेक्शन में ले गए तो F cos थीटा, इसको इधर ले जाते तब भी आता, तब D cos थीटा हो जाता, इसको इधर लाए तो F cos थीटा हो गया, किसको किधर ले जाते कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम कहते इसको इधर ले जाते तब भी वही होता, करके देख लेना तुम लोग, ठीक है। तो f cos थीटा आया, तो हम केवल f ना रख कर क्या रखेंगे, f इंटू cos थीटा, f इंटू d था ना, देखो तो f की है क्या रखोगे, f cos थीटा इंटू d, अब इसको ढंग से लिख लो तो क्या हो जाएगा, f इंटू d cos थीटा। तो वर्क क्या हो गया, जब वो, ये कब होगा, जब वो एंगल बना रहा हो ना उसके साथ, किसी एंगल पे हो, एक्ट एंगल, फोर्स एंड बोलो डिस्प्लेसमेंट
क्या हो, जब विस्थापन और बल के बीच में थीटा कोण बन रहा हो, किसी एंगल पे कार्यरत हो, तब ये होगा। यहाँ कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग बताइएगा, बाकी यूनिट निकालेंगे, अभी भी वही आई, उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। अच्छा, अब हमको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि अब वर्ग, पहले वर्ग किस पर डिपेंड करता था, एफ इन टू डी पर, और अब हमको दिख रहा है एफ किस पर डिपेंड, वर्ग किस पर डिपेंड कर रहा है, एफ डी और कास थीटा पर डिपेंड कर रहा है। कास थीटा मतलब क्या, थीटा, थीटा क्या, एंगल कोण पर भी डिपेंड करता है। अब सबको पता है कोण ऐसे करेंगे कम होगा, बढ़ाते जाएंगे बढ़ जाएगा, ऐसे करेंगे अपोजिट, तो ये तो पूरा 360 तक ही घूमता रहेगा। तो सबको पता चल गया क्या कि कितना एंगल है कोण, उसके हिसाब से कास थीटा की वैल्यू बदलती जाएगी और वर्क भी बदलता जाएगा। तो दो तो पहले फिक्स थी, इसका मतलब कास थीटा कितना है, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा। तो मैक्सिमम कब होता है, सबको पता है कास की जो मैक्सिमम वैल्यू आप देखेंगे, मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम कितनी होती है, मिनिमम पढ़ेंगे तो -1 होती है, यही दो, इससे ना तो कम पढ़ेंगे ना तो इससे ज़्यादा पढ़ेंगे। और एक कंडीशन में 0 भी आता है तो ऐसे टहलता है, -0, 1। तो इसका मतलब एक बार कास वर्क नेगेटिव भी आएगा, देखो माइनस क्या दिखाएगा, एक बार वर्क नेगेटिव भी आएगा, ये एक बार वर्क 0 भी आएगा और एक बार वर्क पॉजिटिव, 1 का मतलब कास थीटा सबसे अधिकतम, तो एक बार वर्क मैक्सिमम भी आएगा। तो एक बार नेगेटिव और ये मैक्सिमम मतलब ये पॉजिटिव भी तो दिखाता है। तो इसके लिए हमको तीन चीज़ें समझ में आ रही, वर्क नेगेटिव भी होगा, 0 भी होगा और पॉजिटिव होगा, और किसके कारण होगा, थीटा के कारण। थीटा जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो वर्क पॉजिटिव होगा, जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो वर्क 0 आ जाएगा, जब इसकी वैल्यू नेगेटिव में होगी तो वर्क नेगेटिव होगा। ये हमको समझ में आ रहा है यहाँ से, और हम इसको थोड़ा सा करके देख भी लेते हैं कि कब नेगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये चीज़ें आनी चाहिए। अच्छा बताओ, कार हम पहले 0 वाला सीख लेते हैं ना, कि पहले मैक्सिमम सीख लें, मैक्सिमम होने के लिए यहाँ वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1, क्योंकि कास थीटा की सबसे अधिकतम वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ कास थीटा कितना अधिकतम से अधिकतम आ सकता है, 1 आ सकता है। मैक्सिमम फॉर वर्क बोलो कास थीटा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा कास थीटा हो ही नहीं सकता। तो 1 कब होता है, सबको पता है कास थीटा इक्वल टू कास कितना, नहीं पढ़े क्या कास साइन, कोई बात नहीं, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लेना कास 90, क्या बोल गए, कास 0। तो ये तुलना कराएंगे तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आएगा। इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो वर्क कितना होगा, वर्क डन इज मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि जब थीटा की है 0 रखेंगे तो कास थीटा 1 हो जाएगा, तो कितना आएगा, देखो वर्क इक्वल टू एफ डी, कास थीटा, थीटा की है 0, तो वर्क इक्वल टू एफ इंटू डी, जो क्या है मैक्सिमम है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद मैक्सिमम की बात हो गई, अब हम अगला सीखते हैं, सबसे कम कब होगा, ये जब नेगेटिव बनाए, और कास 180 की वैल्यू कितनी होती है, ये इधर लगा हुआ था ऐसे 90 बनाता, और ऐसे जब इधर डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, वर्क ऐसे लगाते, होता है ऐसे भी कंडीशन होती है, फ्रिक्शन फोर्स देखो चलते आगे और फ्रिक्शन पीछे लगाता, हो गया कौन सा बना रहा है नेगेटिव, ऐसी भी कंडीशन आती। एक ऑब्जेक्ट को मैंने उठाना चालू किया, mg फोर्स किधर लगा हुआ, नीचे, और ये किधर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो बताओ वर्क कैसा है, नेगेटिव है। अब ये ना कहना कि वो ऊपर लगाए, हम mg की केवल बात कर रहे हैं ना, वो किसको दिखा रहा है, नेगेटिव है ना, ऊपर से नीचे ला रहे हो, पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पे वर्क डन हमको मिलता है, यहाँ करना पड़ता है। अगला, तो वो कितना होना चाहिए नेगेटिव के लिए, कास थीटा इक्वल टू -1, -1 किसकी होती है, 180 की, कास 180, तो थीटा इक्वल टू 180, तो 180 रखोगे थीटा की जगह तो कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा। वर्क डन इज नेगेटिव, तो यहाँ वर्क डन कैसा है, नेगेटिव, यहाँ मैक्सिमम भी है और कैसा है, पॉजिटिव। तो दो कंडीशन हमको समझ में आ गई, वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, एक तीसरा, हम कहते हैं कि
डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा था और फोर्स ऐसे लगाए हुए थे, मतलब ये कितना होता ऐसे, तब देखो क्या होता है, तब बनाता है कितना 90 बनाता, यहाँ पे 90 रखो, यहाँ दिख रहा होगा ना, इधर दिख ही रहा होगा, इफ़ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तब बोलो वर्क इक्वल टू एफ इंटू डी कास थीटा, एफ डी कास 90 की जगह रखो, कास 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, कितनी होती है, तो एफ इंटू डी इंटू जीरो, जब डी ये जीरो रखोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, जीरो आएगा, तो वर्क डन इज जीरो, इसका मतलब वर्क डन जीरो, तो मतलब कोई वर्क नहीं किया, जैसे वर्क डन इज जीरो, तीनों हो गई। जैसे सबको पता है मैं यहाँ पे एक पुली को बनाता हूँ, ये बहुत फेमस एग्जांपल है, हर साल आज से 50 साल पहले से भी किताबों में लिखा हुआ, आज भी लिखा हुआ, आगे भी लिखा रहेगा और बच्चे पढ़ते रहेंगे, ये बुक वालों का सबसे फेवरेट एग्जांपल है, हर बार बना देते हैं कि एक कुली है, ये भाई साहब कुली है, कुली की लुंगी वुंगी बना दिया जाए ना, ये ऐसे कुली हैं और ये आली आगे क्यों जा रहे हैं, ये बोझ रखा हुआ सर पेन के 50 केजी का, कितने केजी का, 50 केजी के बोझ रखा हुआ है सर पे, और ये इधर से हाथ लगा के इसको जकड़े हुए ये, और ये भाई साहब आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखिए नहीं गायब हो गया होगा, ठीक है समझ लेना, ये तो डिस्प्लेसमेंट किधर का हो रहा है, आगे डिस्प्लेसमेंट ये हो गया डिस्प्ले, अच्छा ये ऊपर को ऐसे लादे हुए, तो सबको पता है एम जी तो नीचे काम करेगा ना, तो एम जी कहाँ नीचे, और एम जी ही क्या होता है, फोर्स होता है, वो तो नीचे लग रहा है, तो फोर्स ऐसे लगा हुआ है, या एक एम जी नीचे काम कर रहा है, और ये इसको अगर ऊपर की ओर, इस एम जी के कारण कि ये नीचे ना आए, इसके लिए हम क्या लगाते, देखो हम किसी चीज़ को उठाएंगे तो एम जी नीचे लगेगा, उसके कारण मुझको उसको रोकने के लिए मैं ऐसे लगाऊंगा, तो एक ये उसको रोकने के लिए किधर फोर्स लगाए हैं, ऊपर की ओर, अब बताओ इस एम जी से रोकने के लिए इन्होंने ये फोर्स लगाया हुआ है, ये देखो ये फोर्स हो गया, फोर्स की डायरेक्शन में मिलाता हूँ, डिस्प्लेसमेंट ये कितना बना रहा है 90, और भाई साहब चलते चले जा रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, चलते चले गए लगातार खटखट 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 एक किलोमीटर पहुँच गए, और अब ये भाई साहब ये चुन्नू लेके गया था इनको, चुन्नू फिजिक्स पढ़ के गए थे, चुन्नू ने कहा, ये कहे कि हमने आपका इतना काम किया है पैसा दे दो, तो चुन्नू ने कहा कि तुमने कोई वर्क ही नहीं किया, क्यों, क्योंकि फोर्स देखो डिस्प्लेसमेंट ये और फोर्स ये दोनों के बीच एंगल कितना बना 90, और यहाँ पे देखो 90 बना, तो वर्क कितना आया जीरो, कहे तुमने कोई वर्क ही नहीं किया, जब वर्क नहीं किया कुली ने तो तुमको पैसा कहे का दे, चुन्नू उनका चूतिया काट दिए, तो ऐसा होता है कि साइंस की दृष्टि में वर्क नहीं है, लेकिन कोई भी और अच्छा समझाने वाला मिले तो कहेगा नहीं वर्क हुआ है, कैसे हुआ है, कहेगा फोर्स ऐसे लगाया हुआ था, डिस्प्लेसमेंट ये तुम्हारे हिसाब से 90, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगला तो है कैसे, सबको पता है अगर मैं चलता हूँ, मैंने एक्शन रिएक्शन के रूल में बताया था कि अर्थ क्या करती है, फ्रिक्शन के कारण एक्शन रिएक्शन की वजह चलते हैं, अर्थ जब चल किसी सर्फेस पर कोई चीज़ चलती है तो फ्रिक्शन भी तो काम करता है, तो ये ऐसे आगे की ओर चलेंगे, फ्रिक्शन किधर की ओर लगेगा, पीछे की ओर, फ्रिक्शन क्या करना चाहेगा, इनको चलने से रोकेगा, अर्थ में कोई फ्रिक्शन ना हो तो क्या चलने में दिक्कत होती, सड़कते हुए चले जाते, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सॉरी फोर्स भी लगा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, और इसका मतलब फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, तो फ्रिक्शन पीछे लगा हुआ है ना, इस फ्रिक्शन के कारण इनको फोर्स लगाना पड़ रहा है कहाँ की चलने के लिए, आगे चलने के लिए, तो फोर्स भी आगे चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी, देखो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा हुआ है, इस फ्रिक्शन के कारण इनको चलने के लिए आगे की ओर फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो गई, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क, वर्क हुआ पैसा दे दो तो एक कंडीशन तो ये भी हो गई, और एक ऐसा तो बुक में यही वाला लिखा हुआ है, इसकी वजह से वर्क डन कितना दिखाते हैं जीरो, लेकिन अब हमको लगता है हमको जाके कुली को अगली बार समझाना पड़ेगा, क्योंकि 50 साल से कुली को चूतिया बनाया जा रहा है, अब कुली बताएगा कि इस फ्रिक्शन के विरुद्ध मैं आगे चलता हूँ और
फोर्स लगा रहा हूँ इसके कारण एक्शन रिएक्शन के नियम मैं क्या कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि फोर्स भी आगे लगा हुआ है अलॉन्ग दी डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो क्या होगा, वर्क कर रहा हूँ। और जब मैं वर्क कर रहा हूँ तो आप पैसा निकाल के दे दो जो 50 साल से नहीं थी हो, और इस बार उस पर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट ना लगा के कंपाउंड इंटरेस्ट लगा देना। क्यों? क्योंकि इतने सालों से प्रकाशन वाले पैसा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कुली है, कुली को अगली बार समझाना है, आप लोग समझाइएगा। तो यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। वर्क में और कुछ बचा हो तो बता दो। डायमेंशन निकालना चाहोगे तो निकाल लोगे ना, फोर्स की डायमेंशन और इसकी डायमेंशन रख दो काट पीट के आ जाएगा। अच्छा, वर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर इसको, और चूंकि वर्क को किस में लिखा जाता है, जूल में भी लिखते हैं। वर्क की अगली यूनिट क्या होती है, जूल। वर्क की, वर्क का मात्रक, कार्य का मात्रक किस में लेते हैं हम लोग, जूल में लेते हैं, यूनिट ऑफ वर्क। न्यूटन मीटर भी होती है और अगली क्या होती है, बोलो, जूल भी होती है। बोला करो, आवाज़ हमारे पास आती नहीं, तुम लोग पता नहीं कैसे बोलते हो। यूनिट ऑफ वर्क जूल भी होती है। ठीक है, गुड। अच्छा, जूल होती कितना, हमने कहा ये जो भी आया हमने कहा जूल होती, अब हम कहते हैं एक वन जूल कितना होता है, तो सबको पता है वर्क इक्वल टू एफ इन टू डी। हम कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे अलॉन्ग द डायरेक्शन हो, ये डी मतलब क्या है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ना, ये याद रखना है। जब भी मैं ऐसा लिखूंगा तो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बाकी किसी एंगल के साथ बना रहा है तो उसके लिए एफ डी कॉस थीटा हम लोग लिखते हैं। डी इक्वल टू कितना, वन मीटर मान ले, और फोर्स मान लो हमने वन न्यूटन का लगाया। हम कहते कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था और उस ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इस पे मैं फोर्स कितना लगा रहा हूँ, वन न्यूटन का, और इसमें डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो रहा है, वन मीटर का। और देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों की डायरेक्शन कैसी, अलॉन्ग द सेम, तो इसका मतलब डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, एफ इन टू डी। तो एफ की यह वन रखोगे और डी की यह भी वन रखोगे तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना आया, वन आया। और इस वन को हम वन ना कह के क्या कहते हैं, वन जूल कहते हैं। तो वन जूल की ये डिफिनेशन क्या होगी, सबको पता है वन जूल क्या होगा, जब किसी वस्तु में क्या करने पर एक न्यूटन, देखो वन क्या है, लिख देने भूल जाओगे तुम लोग ना, वन क्या है, वन न्यूटन, एक न्यूटन का फोर्स लगाने से उसमें कितने का डिस्प्लेसमेंट हो, वन मीटर का हो, तब उस बॉडी पे कितना वर्क करना पड़ता है, वन जूल। अर्थात वन जूल वर्क क्या होगा कि किसी भी बॉडी, मान लीजिए इस बॉडी पे कितने न्यूटन का, वन न्यूटन का फोर्स लगा दूं और उसके कारण कितने मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाए, वन मीटर का, और किस में, उसी दिशा में। तो हम ऐसे लिखेंगे किसी भी वस्तु में क्या करना पड़ेगा, एक न्यूटन का बल लगाने से बल की ही दिशा में एक मीटर का विस्थापन हो तो उस वस्तु में किया गया कार्य कितना होता है, आप लोग बताएंगे एक जूल होता है। अच्छा, अब समझ में, ठीक है सर आ तो गया, लेकिन फिर भी कितना हुआ, हम कब मानेंगे एक जूल हुआ, बहुत आसान सा है। देखो W इक्वल टू, बार बार वही लिखो, हर बार लिखो, हज़ार बार लिखो, F इक्वल टू, ये क्या होता है, सबको पढ़ता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, यहाँ अर्थ काम करती तो क्या लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है। तो अब बताओ एम जी लिखा हुआ, इसको धक्का देना चालू किए, जी तो नीचे ही काम करता है ना, तो एम जी इंटू डी, ऐसे हो गया। हम कह दें अच्छा इसमें थोड़ा सा मजाक कम आती है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे एग्जाम्पल ले लो कि ये रखा हुआ, इसको ऐसे उठा दे, एक जूल वर्क ऐसे भी समझ ले, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है, आगे आए तो बता भी देंगे कि मान लीजिए इसको ऐसे उठाया है वन मीटर, तो देखो फोर्स विपरीत काम करते हैं, वर्क हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कोई 100 ग्राम की बॉडी, कितने ग्राम की बॉडी है, ऑब्जेक्ट का मास कितना, 100 ग्राम कितना है, चलिए पोटेंशियल एनर्जी आएगा तो बता देंगे, एम जी एच से बताएंगे जब पढ़ाया जाएगा, तो एम कितना हो, 100 ग्राम, 100 ग्राम को कितना लिखोगे, 0.1 के जी, जी 10 होता है, एच कितना, 1 मीटर होता है, इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 1, इसको 1 जूल कहते हैं। यह हो सकता है पिछले पढ़ाए भी हो, पोटेंशियल एनर्जी आया हो, तो पोटेंशियल एनर्जी भी आगे भी आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है, 1 जूल कितना कि मतलब कोई भी 100 ग्राम की कोई वस्तु हो उसको एक मीटर ऊपर उठा दें और जी कितना लगता है, सबको पता जी 10 ही होता है, तो इसका मतलब हम एक मीटर उठाने में कितना काम कर चुके होते हैं, 1 जूल कर चुके होते हैं। ठीक है, इसमें भी हो सकता था कि फोर्स लगा रहे हो, इसमें डिस्प्लेसमेंट तुमको एक्सीलरेशन में दिखाना पड़ेगा तब दिक्कत आएगी, इसीलिए ये पोटेंशियल एनर्जी वाले में थोड़ा सा आसान पड़ता है,
समझाना हो तो हम क्या कहेंगे, वर्क क्या होता है, जब भी किसी बॉडी में एक न्यूटन का फोर्स लगाने से उसके कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाए, बोलो 1 मीटर। अच्छा इसमें एक न्यूटन कितना होगा, इसका जितना भी मास हो उस मास के कारण उसका एक्सीलरेशन भी कितना हो, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे इसको भी करना चाहो तब भी कर सकते थे, m इंटू इंटू डी हो गया, a को भी 1 मानते, 1 कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डिस्प्लेसमेंट हो, ऑब्जेक्ट का मास भी कितना हो 1 kg का हो और d कितना हो 1 न्यूटन हो, तब भी रखोगे कि कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा एक। सॉल्व कर लोगे कितना आएगा 1 जूल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ, इसकी मैं डिफिनेशन नीचे लिखा भी दिया हूँ, एक बार को तो लिख भी दो कि 1 जूल होता कितना है। तो 1 जूल वर्क आप लोग लिख लेंगे, हाँ लिख दें, 1 जूल वर्क इज, 1 जूल वर्क इज इज डिफाइंड इज डिफाइंड इज डिफाइंड इज डिफाइंड डिफाइंड 1 जूल वर्क इज डिफाइंड, है ना। 1 जूल वर्क कितने को डिफाइंड करेगा, बोलो दे अमाउंट, कितने अमाउंट दे अमाउंट वर्क दे अमाउंट ऑफ वर्क दे अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, कितने न्यूटन, 1 फोर्स कितना लगाना हो चाहिए 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट भी कितना आना चाहिए 1 मीटर, एंड नहीं ठीक वैन लगा दो, वैन डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर, ठीक है। अर्थात 1 जूल वर्क इज डिफाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स ऑफ 1 न्यूटन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर, फोर्स 1 न्यूटन लगा हो और जब डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो 1 मीटर। यहाँ लिख सकते थे अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, फोर्स की लगाई गई डायरेक्शन में, जोड़ना चाहो तो जोड़ लेना, तो वो क्या होगा 1 जूल वर्क होगा। 1 न्यूटन का फोर्स लगाने से इसमें अगर 1 मीटर का विस्थापन आ जाए तो हम कहेंगे हमने कितना काम किया, 1 जूल वर्क कर दिया। तो आज वर्क हो चुका है, ठीक है, वर्क में कुछ बचा नहीं, इसके बाद वो तुम्हारा क्या पढ़ाया जाएगा, एनर्जी पढ़ाई जाएगी। एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जो एनर्जी तुम्हारे में यहाँ पे केवल एक ही एनर्जी पढ़ाई जा रही है, मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें से मैकेनिकल एनर्जी 2 टाइप्स की है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये बताया जाएगा काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। इसके बाद बहुत सारी एनर्जी बहुत होती है, साउंड एनर्जी है, ठीक है, केमिकल एनर्जी है, स्ट्रांग न्यूक्लियर एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, तो वो सारी एनर्जी हैं, लेकिन यहाँ तुमको केवल एक ही एनर्जी पढ़नी, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा और उसके 2 टाइप्स पढ़ेंगे, कौन कौन से, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, कल इसी के आगे बढ़ेंगे। हमारा प्रयास है कि 9th की साइंस जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए, बच्चे कह भी रहे हैं, 10th का भी कर दें, इसके बाद 1st ईयर इंटर भी अपना चालू कराया जाएगा धीरे धीरे समय के साथ। चलिए आप सभी को शुभ रात्रि।